बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब्स इन्फो डॉट पी के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत सी जॉब्स का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इनकी जॉब्स की डिटेल बताऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों बात करते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जॉब्स आई हैं उनकी। तो दोस्तों इसकी जो एडवर्टाइज है ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दी गई है। 2 अगस्त को ये जो एडवर्टाइज है ये पोस्ट की गई है यहाँ पर। तो दोस्तों इसको इस एडवर्टाइज के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइज कंसोलिडेटेड एडवर्टाइज नंबर 8 है। दोस्तों यहाँ पर आपने अगर एडवर्टाइज देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों सिंपली यहाँ पर आपने एडवर्टाइज देखने के लिए क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एडवर्टाइज ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें आपने जिस जिस जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है उसका जो क्राइटेरिया वो आपने देख लेना है जिस पोजिशन पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुकम्मल डिटेल दी गई है। सबसे पहले असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फिर डिप्टी डायरेक्टर है, उसके बाद इनकी वैकेंसीज भी बताई गई हैं, मुकम्मल डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। दोस्तों उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर है और फिर फोरमैन ऑफ इंस्पेक्शन मैकेनिकल, और उसके बाद सिविल क्रेटर, और उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स, तो उसके बाद लेक्चरर फीमेल और लेक्चरर मेल, असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, और उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसके बाद सी सर्टिफिकेशन असिस्टेंट और रजिस्ट्रार, सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो दोस्तों इसमें ये जो जॉब्स हैं इन सब की बता रहा हूँ, इनका क्राइटेरिया आपने नीचे से देख लेना है। दोस्तों उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार है, वो एडमिन ऑफिसर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री फीमेल, तो लेक्चरर इंस्ट्रक्टर इस्लामिया। तो दोस्तों ये थी इसकी मुकम्मल जॉब्स। तो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इम्पोर्टेंट वो नीचे यहाँ पर दी गई है, अप्लाई करने का तरीका और फीस वगैरह इस जगह पे आपने सबमिट करवानी है, एज की जो रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर दी गई है, शॉर्ट लिस्ट जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया वो भी यहाँ पर मुकम्मल दिया गया है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं अप्लाई करने की। तो दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पर अप्लाई नो के बटन पर ये दिया गया है क्लिक केयर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इनका अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप अप्लाई ऑनलाइन टेक प्रिंट आउट और रिट्रीव ट्रैकिंग आईडी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है, जिस पोजीशन पे आपने अप्लाई करना है वहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये जितनी भी इस एडवर्टाइज में जॉब्स हैं सारी यहाँ पर मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ से आपने जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है वो सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक फीस डिपॉजिट का डेट है जो उसकी फ़ीस की डिटेल है, उसके बाद आपकी डोमिसाइल की डिटेल है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है। दोस्तों इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां पर प्रोसीड करना है या ये कोड यहां पर देकर सिक्योरिटी कोड। दोस्तों आगे अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह मुकम्मल इंफॉर्मेशन देकर तो यहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की इन जॉब्स के हवाले से वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इन वेबसाइट जिस वेबसाइट से मैंने ये आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से बताई है, तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि दोस्त इजीली इसको ओपन कर सकें। तो दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।